शहपुर जिला चिकित्सालय में धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारी शहपुर जिला चिकित्सालय में अस्थायी तौर पर कार्यरत लगभग 90 आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद कर जिला चिकित्सालय के पार्क में धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि श्योपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाने के बाद 2 अगस्त तक मांगे पूरी किए जाने के आश्वासन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जहां 2 माह के वेतन के भुगतान के साथ सेवा शुल्क समाप्त किए जाने की आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा एक लंबे समय से मांग की जा रही है, जहां मांगे नहीं माने जाने पर आज काम बंद कर आउटसोर्स कर्मचारी ने अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रारंभ कर दिया। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने पर चले जान से जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। अब देखना यह होगा कि जिला चिकित्सालय में चरमराई सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं में किस प्रकार सुधार किया जाता है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित मांगों को अब तक पूरा किया जाता है, जैसे कि व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट लेकर के आप यहाँ हॉस्पिटल के पार्क में स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। श्रीमान जी, पिछले 3 महीने से हम लोगों को आउटसोर्स कंपनी के द्वारा 3 महीने से अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, और 1 तारीख को हम आवेदन भी देकर आए थे कलेक्टर साहब के सामने। वो कलेक्टर साहब भी स्वयं हॉस्पिटल आए थे, तब सिविल सर्जन ने बोला था कि मैं 2 तारीख को आपका पेमेंट कर दूंगा, 6 तारीख को हड़ताल नहीं करना आप लोग, आपको ये 6 तारीख का 2 तारीख को हम पेमेंट करके आपके खाते में डलवा देंगे। मगर अभी तक श्रीमान जी हमारा अभी तक वेतन नहीं आया है। तो अब आपका क्या विचार है, आप कितने दिन हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हमारा वेतन नहीं आएगा 2 महीने का, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे सर। यानी जब तक आपको भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक आप इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे? जी सर, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। कलेक्टर दर से हमें 2 महीने का पेमेंट दिया जाए, वो भी टाइम पे दिया जाए, अन्यथा लेट किया जाएगा तो हम जितने लेट करोगे हम उतने ही हड़ताल पर रहेंगे उतने ही दिन तक। और पेमेंट जैसे डलेगा तो हम उसका काम पे आ जाएंगे।